अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल साहब? भाई ठीक ठाक है जी, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज धूप निकली है जी, काफ़ी दिन के बाद, मतलब तकरीबन 10-12 दिन के बाद धूप निकली है। घर पे उठा मैं, जैसे ही उठाऊँ देखा रोशनी थोड़ी, तो मैंने ना दौड़ लगा दी। अभी तो खैर 2 घंटे हो गए जी मुझे आए हुए। एक तो वो परिंदों को दाना पानी कर लेते हैं, दूसरा कुछ आपको परिंदों का जी शौक करवा देता हूँ, बाजरा। और यहाँ पे एक और बात कि मैंने दाना जो है ना जी वो एक टाइम कर दी है, क्योंकि दिन छोटे होते हैं, सुबह अलहदा से खिलाएं, शाम अलहदा से, फिर वो हाजमे का भी इशू आता है। वैसे मेरे कई दोस्त जो हैं वो सारा साल ही 24 घंटे में एक वक्त का दाना देते हैं, तो ये सर्दी आ गई है तो मैंने भी रूटीन यही बनाई है। मेरा 2 टाइम दाना इसलिए भी पड़ता था, ठीक है, क्योंकि मेरा ये मामला था कि मेरे पास ब्रीडर मादियाँ होती हैं जिनको भूख ज़्यादा लगती है, और चूजे फिर इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है जी, इनको होती है ज़्यादा ज़रूरत खाने पीने की, बार बार तलब होती है चूजों को भी और मादियों को भी, ठीक है। तो एक तो दाना पानी करते हैं, दूसरा जो परिंदे ना जी जैसे मौका मिला थोड़ी सारे धूप में लगाए हैं, उन परिंदों का आपको शौक भी करवाता हूँ, कुछ करीब से दिखाता हूँ, बल्कि अजीम भाई आते हैं दाना पानी पे, मैं आपको शौक करवाता हूँ। देखिए छोटा भाई कर रहा है जी दाना। अब हमारी कोशिश क्या होती है जी कि दिन में एक मरतबा दाना दिया जाए, और उसके बाद नेक्स्ट इसी टाइम, आज मतलब अभी टाइम 11:30 के करीब हो गया, ये देखें ये डुड्डा पट्ठा दाना खा रहा है, नवाब यहाँ पे पास है, इसी बहाने चले आपका शौक भी करवाता हूँ। ये लंबो पट्ठी है, खरदुम्बा जो कि हमने मादियों में खुला छोड़ा हुआ है, इसको वक्ती तौर बंद किया है, चले ये भी थोड़ी देर धूप में ज़रा खेल ले। ये पट्ठा है जी सवा लखी है मुर्गे का टैडी बियर के साथ, ठीक है जी। उसके बाद ये लहदा से एक पेयर लगाया मैंने, नोक चीरवा और सवा लखी की पट्ठी, मतलब बेटा जो है 3 लखिया का है, पट्ठी जो है वो 1.25 लखी है मुर्गे की है जी, ठीक है। ये भी तकरीबन अपना क्लच उतार गई हुई है जी। उसके बाद एक चूज़ा हमने यहाँ पर बंद किया जी, और वापसी मेरे ख्याल से मैं आपको एक और, हाँ ये बड़े टोकरे में है जी, ये है हमारा जंपर, ये पिछले दिनों थोड़ा सा वीक हो गया था, मादी इसके साथ भी छोड़ी हुई है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, ये एक बच्चा काना, इसके थोड़ा हाजमे का इशू है, इसको अभी सीरप दिया है जी। ये पट्ठा यहाँ पे आपको खैर क्लियर नज़र नहीं आएगा, बाकी जो बाहर परिंदे चल फिर रहे हैं जी उनका आपको थोड़ा सा शौक करवा देता हूँ, ठीक है जी। ये काले 3 लखिए का पट्ठा, लेकिन ये है कि गुजारा कर रहा है, इसको मेडिसिन वगैरह दी है हाजमे के लिए, लंबू अपना पाँव थोड़ा सा दबा रही है। अजी बाहर भी यार परिंदों को डाल दो दाना, बाकी परिंदे इनको बाहर दाना डाल देते, थोड़ा इधर कर दो, थोड़ा मादियाँ पट्टियाँ सारी आ गई हैं जिधर दाना खाने, अब बारी बारी ये खाएंगे, जो एक दूसरे से डरते हैं वो पीछे खड़े होंगे। ये पीछे एक पट्ठा खड़ा है, आपको शौक करवाता हूँ जी, जंपर मुर्गे का पट्ठा, माशाल्लाह तकरीबन ये 6.5 माह का हो गया है। ये आप देखें चेहरा शेरा बड़ा खूबसूरत बना रहा है, शुरू में बिल्कुल खूबसूरत नहीं था, लेकिन एज के साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, नली में भी, चेहरे मोहरे में भी, रंग रूप भी इसने अपना बेहतर किया है जी। ये नलियाँ आप चेक करें, बाकी ये मादियाँ और पट्ठे माशाल्लाह दाना पानी खा पी रहे हैं जी। ये पट्ठा असल में ना पहले काफ़ी वीक था, एक मरतबा पहले शौक करवाया है, और पहले नली भी इतनी खूबसूरत नहीं थी, एज में आके इसने बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ अपनी बेहतर की हैं जी, आपको आइडिया हो रहा होगा। कोशिश करता हूँ इसके चेहरे मोरे का आपको करीब से शौक करवाऊँ, बल्कि मुझे याद आया पट्ठे का शौक आपको बाद में करवाऊँगा, पहले आपको प्लाट की दूसरी साइड पर जो हमारे परिंदे खुले छोड़े हैं उनका शौक करवाता हूँ। आज मैंने 3 लखिए को भी बाहर छोड़ा है, फिर काने मुर्गे को धूप में लगाया है, ठीक है। ये पट्ठियाँ पट्ठे फिर घूम रहे हैं जी, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको शौक करवाऊँ। काना वो सामने टोकरे पे लगाया हुआ है जी, 3 लखिया हमारा यहाँ पे है, 3 लखिए के साथ पट्ठी छोड़ी थी, पहले यहाँ पे मट्टी शट्टी खेलता रहा जी, ये कुछ पट्ठियाँ बाहर छोड़ी हैं, तो यहाँ पे कोशिश करता हूँ जी करीब से या दूर से आपको शौक करवाऊँ। वो पट्ठियाँ पट्ठे माशाल्लाह मेरे अच्छे पाल रहे हैं जी, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये माशाल्लाह चेक करें, डुड्डे चीने के पट्ठे, जंपर के भतीजे, ये इन ब्रीड में निकले हुए पट्ठे हैं जी, ज़्यादा प्योरिटी में। ये हल्का सा खरदुम्बा है जी पट्ठा, इसका भाई दूसरा कदरे बेहतर है, उसका चेहरा भी ज़्यादा खूबसूरत है जी, लेकिन रंग रूप और नलियों का जो म्यार इन पट्ठों ने बनाया है वो माशाल्लाह लहदा है जी। ये दोनों पट्ठे एक ही फ्रेम में, असल में भाग दौड़ कर रहे हैं, एक जगह पे टिक के खड़े नहीं होते, कभी इधर दौड़ लगा दी, कभी इधर लगा दी, कभी इनको कीड़ा पतंगा नज़र आ जाता है, और कभी क्या है ये सब्ज़ा खाने आ जाते हैं जी। अभी तो गोबर शोबर में लथ रहा है जी, पट्ठे की नलियाँ बहुत कमाल हैं। ये थोड़ा करीब से आपको दिखाता हूँ जी, काली नलियाँ और ज़्यादा चौरस बन रही हैं। दूसरे बहन भाई ये पीछे हैं जी, ये वहाँ पे बाजरा पड़ा है, बाजरे को मुंह मार रहे हैं जी। ये आप देखिए माशाल्लाह, इस पट्ठे का चेहरा ना जी अच्छा खासा लंबा है और म्यारी है। बहनों के चेहरे भी काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, सिर्फ एक ये जो हल्का खरदुम्बा बन रहा है इसका चेहरा थोड़ा सा छोटा है। ये पट्ठी पर थोड़ा फोकस करता हूँ, इसका चेहरा शेरा आप चेक करें, ये देखें माशाल्लाह चेहरे की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद ये पट्ठी आ गई जी जंपर मुर्गे की, इस पट्ठी की नलियाँ बहुत ही कमाल की हैं, इसका कभी आपको शौक करवाऊँगा जी करीब से, नलियाँ सलियाँ आपको दिखाऊँगा,
असल में अभी तो मट्टी शट्टी लगी है, गोबर लगा है, तो धोने के बाद नलियाँ जो है ना जी वो वाजे नज़र आएंगी। बाकी ये पट्टी माशाल्लाह चेहरे की बड़ी खूबसूरत बन रही है और नलियों की भी बिल्कुल पतली इसकी उंगलियाँ और मुड़ी हुई। खैर मेरे ख्याल से चलते हैं जी, उस पट्टे का आपको शौक करवाता हूँ चीने का। चीना जो है वो भी जंपर का पट्टा है और बाजरी जो किल वाली है ना जी काने की बेटी उसके साथ। अजीम चीना बच्चा ज़रा लाओ, चीना बच्चा किधर है जी मैं देखता हूँ। ये है, इसका ज़रा हाथ मुँह साफ करो, ठीक है छोटे वाला चीना, बल्कि ऐसे करो इसको लेके उधर ही आ जाओ, उधर मेरे ख्याल से रोशनी ज़्यादा बेहतर है, तो इस पट्टे को उधर ही लेके चलते हैं, उधर ही आपको शौक करवाता हूँ, ज़रा रोशनी बेहतर है, उम्मीद है ज़रा रिजल्ट थोड़ा सा क्लियर आएगा, ज़रा पॉइंट्स बेहतर तरीके से आप दोस्तों को शौक करवा सकूँगा। जी पट्टे का हाथ मुँह हमने धो लिया जी, अभी चलते हैं दूसरी साइड पर और आपको करवाता हूँ जी शौक इस पट्टे का। हाँ जी पट्टे के चेहरे का आप शौक करें, जिस पट्टे को मैं जितना कम खूबसूरत कहता हूँ एज के साथ वो माशाल्लाह उतना ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। ये करीब से आप चेक करें, चेहरा अच्छा खासा लंबा कर रहा है, आंखें थोड़ी सी तेज़ हैं वो कमी है, एज के साथ इंशाल्लाह आंखें बहुत साफ़ करेगा। पट्टी चेहरे की चौड़ी है, नलियों की बात करूँ तो क्या ही बात है, हालांकि इसकी नलियाँ बहुत कम इसकी खाली बन रही थी, अभी जब आया है तकरीबन ये 6.5-7 माह के करीब है या 6.5 माह का मेरे ख्याल से, अभी देखे नली इसने बहुत आउट क्लास किस्म की बना ली है, बिल्कुल पतली नली, पतली इसकी उंगलियाँ, करीब से आपको दिखाता हूँ काली पीली नली है, साइडों की तुकोने इसकी काफ़ी ज़्यादा उठी हुई हैं। नीचे छोड़ के इसकी बॉडी शेप आपको चेक करवाता हूँ, कमर की लेंथ अच्छी है, पल्लों का साइज़ अच्छा है, और अभी एज तो ज़ाहरी बात है चूज़ों वाली है, जब मज़ीद एज में गया तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा। फिर इसका जो रंग है वो इसका अच्छा है, काला लाखा रंग है, कंधे और गोडियाँ इसकी चीनी आ रही हैं। फिर उसके बाद हाइट आप चेक करें, हाइट माशाल्लाह इसकी अच्छी बन रही है, ये आप देखें हड्डी का दरमियाना है, मतलब हड्डी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम हड्डी में इसकी फिजीक जो है खूबसूरत है, चेहरे की जो लेंथ है वो पूरी है माशाल्लाह, नलियाँ यहाँ पे थोड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं, ये आप चेक करें। दूसरा चूज़ा आया जी पास, अकड़ के खड़ा हो रहा है, चले ज़रा बेहतर तरीके से इसकी बॉडी शेप का अंदाज़ा होगा, ये आप देखें स्टैंडिंग पोजिशन इसकी ज़बरदस्त है। असल में चूज़े जब एक दूसरे को देखते हैं तो मस्ती करते हैं, मस्ती के साथ फिर ये ज़रा अकड़ के खड़े होते हैं, इनकी फिजीक का ज़रा बेहतर अंदाज़ा होता है, ये आप चेक करें माशाल्लाह जी। ये दूसरा पट्टा जी डूडे चीने का, ये आप देखें जी दोस्तों, पट्टे का आपको शौक करवा दिया जी। इस पट्टे की एक दोस्त के साथ ना जी मेरी बात हुई पिछले दिनों, पट्टे की क्वालिटी या ब्लड लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब वो बड़ी मकबूल कीमत थी, तो बाद में फिर उन्होंने शायद कैंसिल किया, कोई मामला हुआ जी, और आज मतलब मैं देख रहा हूँ इसको, ये तकरीबन 15-20 दिन के अंदर इसमें जो चेंजिंग्स आई हैं ना जी, वो ये है कि इसकी वो जो कमज़ोरी और ज़्यादा कमज़ोर होना, चेहरा दरमियाना होना और नली मतलब कम खूबसूरत होना, वो सारी चीज़ें इसने कमियां ना जी इन 15-20 दिन के अंदर अंदर निकाल दी हैं, मतलब चेहरा बढ़ा गया, लेंथ काफ़ी अच्छी हो गई है, फिर उसके बाद नलियां जो है ना जी वो शैंक्स इसने बड़े ज़बरदस्त किस्म के उठा लिए हैं इन थोड़े दिनों के अंदर। तो इसके बाद खैर मैं आपको शौक करवाता हूँ जी, पट्टियाँ मेरे पास पट्टियाँ मट्टी खेल रही हैं, पट्टियाँ हैं वैसे 2-3 हैं, जिनमें से एक पट्टी कुछ ज़्यादा स्पेशल किस्म की नलियाँ बना रही है, वो काली चीनी पट्टी है जंपर मुर्गे की, मतलब इसी मेल की बहन है, और उसकी उंगलियां थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हैं, शुरू में थोड़ी कमज़ोरी का शिकार रही, अभी माशाल्लाह बेहतर है। उस पट्टी का आपको ना जी करीब से शौक करवाता हूँ, उसकी आंखें इस पट्टे की तरह थोड़ी सुरख हैं, चेहरा दरमियाना, लेकिन नलियाँ बहुत कमाल की बना रही है, तो उस पट्टी का आपको शौक करवाता हूँ जी। जी दोस्तों पट्टी के चेहरे का आप शौक करें, पट्टी का चेहरा दरमियाना है लेकिन खूबसूरत है, आंखें थोड़ी तेज़ अंदर से साफ़ करना इसने शुरू कर दी हैं, उम्मीद है ये मज़ीद आंखें साफ़ करेगी जैसे जैसे एज में गई। नलियों की अगर बात करें तो नलियां इसकी बहुत ही कमाल की हैं, फ्रंट से काली नलियां, फिर उसके बाद खाली काफ़ी गहरी है, मतलब तकोने इसकी काफ़ी ज़्यादा उठी हुई हैं, ये तफसील के साथ आपको शौक करवाता हूँ। दो उंगलियाँ इसकी थोड़ी थोड़ी मुड़ी हुई हैं जी, बाकी नली की जो लुक है वो बड़ी ज़बरदस्त है, हाइट हड्डी की दरमियानी बन रही है। नीचे छोड़ के आपको शौक करवाता हूँ, कमर की लेंथ इसकी वो अच्छी है, रंग इसका खूबसूरत है, मतलब काला चीना इसका रंग बन रहा है, काली नलियों में काला चीना रंग वैसे भी परिंदे खूबसूरत लगते हैं। थोड़ा नली के ऊपर आप नली आप चेक करें, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़रा बेहतर आइडिया होगा, बाकी स्टैंडिंग पोजीशन भी पट्टी की अच्छी है, कमज़ोरी इसने काफ़ी काटी है, वीक ये काफ़ी रही है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले की नस्बत बेहतर हो रही है जी काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ दूसरी पट्टियाँ भी हैं, नेक्स्ट इसी वीडियो में इंशाल्लाह उन पट्टियों का भी आपको शौक कराऊंगा, जिनमें से एक पट्टी प्रिंस की है वो थोड़ी ज़्यादा वीक है, एक और पट्टी है वो जंपर की है जो फ्रंट से काली गुजर के गई है जी, बाकी आप चेक करें जैसे एज में गई है शेप बहुत अच्छी बनाएगी नलियों जी। दोस्तों पट्टी का भी आपको शौक करवा दिया है, अभी प्लाट पर हमने मुर्गा छोड़ा हुआ है जी, बड़ा 3 लखिया खुला, तो बड़े 3 लखिया का आपको शौक करवाता हूँ, 3 लखिया अभी अल्हम्दुलिल्लाह जान में है
और 2 साल के बाद करीब इसकी ना जी पहली कुरीज है जो अपनी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहा है। पल्ले तो थोड़े ख़राब हुए हैं लेकिन दुम पूरी आ रही है, जिस्म के पार सलामत है, जाल अच्छे निकाल लें। ये ज़्यादा वीकनेस का शिकार हो गया था और एज के साथ इसने जो नली का मियार बनाया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन। एक तो आज की वीडियो में आपको वो जंपर के रिजल्ट्स भी दिखा दिए और दूसरा जो है वो 3 लखिया उसका शौक करवाता हूँ, उसके साथ उसी की पट्टी छोड़ी हुई है और आज से इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि प्रॉपर इसकी खुराक शुरू की जाए। वैसे भी कुछ पट्ठों को डाल ली थी, एक तो वो खुराक नेक्स्ट वीडियो में कोशिश होगी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि खुराक में थोड़ी सी चेंजिंग मैं करने वाला हूँ। वो चेंजिंग क्यों करने वाला हूँ वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो पहले आपको 3 लखिए का शौक करवाता हूँ जी। ये मेरा मुर्गा है जी दोस्तों, बड़ा 3 लखिया, इसका नाम 3 लखिया जी, और एज के साथ इसने नलियों का जो मियार बनाया वो आपके सामने है। बहुत ज़्यादा फ्रंट से चौड़ी नलियाँ कर गया, वैसे भी 3-3 स्केल वाली और डबल डबल खाली वाली इसकी वो नली आ रही है, किल इसके थोड़े से ज़्यादा लंबे हुए हैं। और इसके बाद इसकी वीकनेस बरकरार है, क्योंकि ये मसला इसका जो टांगों का था वो बचपन से था, उसके बाद एक मरतबा ये तप गया, वो कमज़ोरी थोड़ी सी इसकी बरकरार है। लेकिन मेहनत करने पर इंशाल्लाह उम्मीद है अभी ये ब्रीड करेगा। मादी साथ में छोड़ी हुई है, थोड़ा इन ब्रीड में जाने का इरादा है। उसकी रीज़न ये मुर्गा खुद है कि कुछ बच्चे इन ब्रीड में होंगे इंशाल्लाह तो आगे शौक में काम आएंगे। बाकी मुर्गे की आप फिजीक चेक करें, मुर्गा खूबसूरत जिसामत का मालिक है, थाई का साइज़ अच्छा है और फ्रंट जो है कंधे ऊपर चौड़े, गर्दन दरमियानी है, गर्दन का मजबूत है, गंड जोड़ का बहुत ज़्यादा मजबूत है। फिर उसके बाद इसमें इसका जो रंग आ रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह के क्या ही बात है। मुझे ज़ाती तौर पर यह कलर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, काला मुश्का या काला हल्का फुल्का चीना, काला चीना आप कहेंगे जी। पट्ठियाँ मोस्टली ये काली चीनी ही बनाता है, ये साथ में इसी की पट्ठी घूम रही है। ये आप चेक करें, इसको थोड़ी देर के लिए हम बाहर खोलते हैं जी मौसम ठीक होने पे। ये आप चेक करें जी। जी दोस्तों, परिंदों का आपको शौक करवा दिया जी। परिंदे आपको कैसे लगे कमेंट्स में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर होता हूँ और कोशिश है कि खुराक वाली वीडियो लेके आऊँ इंशाल्लाह। तो मुझे इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी।